रहीम डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामुअलैकुम। लास्ट लेक्चर में हमने सुबह आज़ादी हेडिंग तक पढ़ा था और हमने देखा था स्टेप बाय स्टेप जो जो स्ट्रगल्स की कैद आजम ने, मुसलमान रहनुमाओं ने, गोलमेज कॉन्फ्रेंसेज हुई, बड़ा स्टेप बाय आपने इसको देखा था। अब पाकिस्तान बन गया। पाकिस्तान बनने के बाद अब कैद आजम मोहम्मद अजाना की सियासी और आइनी कोशिशों के हवाले से क्या हमें पाकिस्तान में किरदार, एक तो था तहरीक पाकिस्तान के हवाले से जो हमने पीछे डिस्कस किया, आज हम देख रहे हैं कि उसकी सियासी और आइनी तौर पे क्या कोशिशें थी, वो हम देखेंगे इस टॉपिक में। तो ये स्टार इसमें दिए हुए हैं, बेसिकली बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, लॉन्ग क्वेश्चन है, लर्न तो करना है, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ हर पॉइंट को आपको अंडरस्टैंड करते जाए। पहला पॉइंट है, कहते हैं तो मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह 25 दिसंबर 1876 को कराची में पैदा हुए, यानी आज हम सिर्फ कैद आजम को लेकर चलेंगे। पीछे भी जो हमने स्टेप वाइज डिस्कशन की है उसमें दूसरे लीडर्स हैं, रहनुमा हैं, सियासी पार्टियां हैं, सियासी जमातें हैं, उसमें अंग्रेज हैं, बरतानिया है, हिंदुस्तानी है, हिंदुस्तानी पार्टी, वो सारी जो हो रहा था कश्मकश तहरीक में वो होता। आज हम आज के टॉपिक में देखेंगे कि सिर्फ कैद आजम ने उन्होंने कितना कुछ किया। तो 1876 को पैदा हुए, 25 दिसंबर को सियासत में आपकी दिलचस्पी उस वक्त शुरू हुई जब आप हिंदुस्तान में थे, आप पहले कांग्रेस में शामिल हुए। उस वक्त दो हिंदू मुसलमान इत्तेहाद के जबरदस्त हामी थे, वो कहते थे हिंदू मुसलमान मिलकर रहे, अंग्रेज से निजात हासिल करें। आपको हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद का सफीर भी कहा जाता रहा। 1909 में हिंदुस्तान में मिंटो मार्ले इत्तेहाद हुई, तो वायसराय हिंद के कौंसिल के अरकान की तादाद 16 से बढ़कर 28 कर दी गई। बंबई के मुसलमानों ने इसके लिए कैद आजम को अपना नुमाइंदा मुंतखब कर लिया। 1913 में मुस्लिम लीग में आप शामिल हुए और मुस्लिम लीग ने उनके कहने पर अपने दस्तूर में तरमीम करते हुए हुकूमत खुद इख्तियारी को अपना मकसद हयात बनाया। आपकी मुदब्बिराना सियासत ने बरतानवी राज की जड़ें हिलाकर रख दी। कांग्रेस की मुस्लिम दुश्मन पॉलिसियों के बाद 1920 में कांग्रेस छोड़ दी। यानी अब हम ये देख रहे हैं कि कैद आजम किस तरह आगे मूव करके गए। दिसंबर 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस लखनऊ में एक साथ अपने सालाना जलसा करने पर रजामंद हो गई। मुस्लिम लीग के इजलास की सदारत कैद आजम मोहम्मद अली जिन्ना ने की। उन्होंने अपने खुतबे में फरमाया, हम कोई इनाम या रियायत नहीं चाहते और ना ही किसी इम्तियाजी सलूक के आरजूमंद हैं। इस मकाम पर दोनों सियासी जमातों ने एक तारीख की मुआहदा किया जिसे मिसाब के लखनऊ कहते हैं, और इस मकाम पर उन्होंने हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के सफीर का लकब दिया गया। ये जो कैद आजम थे इनको हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के सफीर से नवाजा गया क्योंकि इन्होंने उस वक्त तक उन दोनों के लिए मिलकर काम किया था। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, 1919 में बरतानिया हुकूमत ने जब रूलेट एक्ट मंजूर किया तो उसके तहत हुकूमत को वारंट और मुकदमा चलाए बगैर गिरफ्तारी का इख्तियार दे दिया गया। इस कानून के तहत मुल्ज़िम को सफाई का मौका दिए बगैर खुफिया मुकदमा चलाया जा सकता था। कैद आजम ने इस मुसवदे कानून की मुखालफत की और उसे गैरकानूनी करार दिया। एहतजाजन उन्होंने वायसराय हिंद कौंसिल से इस्तीफा दे दिया। इस मौके पर उन्होंने फरमाया, मैं महसूस करता हूँ कि जो हुकूमत ज़माने अमन में ऐसे कानून को मंजूर करती है वो महज़ हुकूमत कहलाने का कोई हक नहीं रखती। तहम मुझे उम्मीद है कि वजीर अमूर हिंद ताजदार बरतानिया को ये मशवरा देंगे कि वो इस काले कानून को मुस्तरद करे। यानी अब ये पर्सनल जो स्ट्रगल थी कैद आजम की, जो पर्सन उन्होंने कोशिश की अपनी जाती हवाले से शुरू से अब तक, उनको हम डिस्कस कर रहे हैं, हाईलाइट कर रहे हैं कि जो उन्होंने अपने से, एक तो होता है ना अपनी जमात के मौकफ को लेकर आगे चलना, अपने लीडर्स को लेकर चलना, अवाम के रहकर, एक होता है इंसान खुद से क्या सोच रहा है, खुद से क्या करना चाह रहा है। तो अब हम देख रहे हैं कैद आजम के विजन को कि वो किस तरह इसको मूव कर रहे थे लेकर। 1929 में कैद आजम ने अपने मशहूर 14 अंकात पेश किए। तीन गोलमेज कॉन्फ्रेंसें हुई 1930 से 32 तक लंदन में हुई। कैद आजम ने पहली दो कॉन्फ्रेंसों में शिरकत की, ये कॉन्फ्रेंसें नाकाम हुई। हुकूमत बरतानिया ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 मंजूर किया मगर कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों जमातों ने ही इसे नापसंद किया। तहम इसको सूबाई हिस्से को कैद आजम की तहरीक पर कबूल कर लिया गया। 1936 से 37 के आम इंतखाबात में दोनों जमातों ने हिस्सा लिया। 1934 में कैद आजम ने अलामिकबाद और दूसरे सरकर्दा मुस्लिम लीगी रहनुमाओं के कहने पर इंग्लिस्तान से वापस आ गए और उनको मुस्लिम लीग की सदारत सौंप दी गई। आपने दिन रात एक करके मुसलमानों को इसके परचम तले जमा किया। 1940 में
लाहौर में मुस्लिम का जलसा मुनक़िद हुआ जिसमें हिंदुस्तान के मुसलमानों में मुत्तफ़िक़ा तौर पर एक इरादा मंजूर की कि हिंदुस्तान के मुसलमानों को एक अलग खित्ता की जरूरत है जिसमें वो अपनी अक्सरियत के बल बूते पर अपनी जिंदगी इस्लाम के असूलों के मुताबिक गुजार सकेंगे। इस जलसे की सदारत कैद आजम मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह ने की थी। अब यहाँ तक 1940 तक हम पहुंच गए कि कैद आजम ने किस असर कर दिया 1940 से ज्यादा। अब नेक्स्ट है 1942 और 46 के इंतखाबात में शानदार कामयाबी हासिल करके अंग्रेजों और हिंदू पर वाजे किया कि मुसलमानों की बैर नुमाइंदा जमात मुस्लिम लीग है, पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों की नुमाइंदगी कर रही है। इन इंतखाबात में आपकी क्यादत में मुस्लिम लीग ने मरकज में 100% और सूबाई असम्बलियों में 90% हासिल कर दी कामयाबी। आपने कबीना मिशन की तजावीज का जिनके तहत अंग्रेज कांग्रेस को हुकूमत देना चाहते थे डटकर मुकाबला किया, हिंदू की हर चाल को नाकाम बनाया। इस मिशन को मिलाकर तस्लीम करना पड़ा कि मुस्लिम लीग को किसी तौर पर नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान मार्ज वजूद में आ गया। 15 अगस्त 1947 को कैद आजम ने नई इस्लामी मुख्तार रियासत के पहले गवर्नर जनरल की हैसियत से हलफ उठाया। क्या मैं पाकिस्तान से पहले कुछ अरसा पहले तक कैद आजम रहमतुल्लाह की सेहत खराब हो गई थी लेकिन इसके बावजूद देर रात अपने फ्रैज सर अंजाम देते रहे। उनको आराम का हरगज मौका ना मिला जिसकी वजह से उनकी तबीयत और ज्यादा खराब हो गई। जुलाई 1948 में बीमारी ने शिद्दत अख्तियार कर ली। आखिरकार 11 सितंबर 1948 को अपने खालिक हकीकी से जा मिले। 1948 में पहली अरब इसराइल जंग हुई और 1948 में ही एक हिंदू इंतहा पसंद के हाथों गांधी जी का भी कत्ल हुआ। अब हमने पहले देखा कि कैद आजम ने लीडर्स के साथ मिलकर पाकिस्तान बनाने तक क्या स्ट्रगल की, फिर उनकी हमने जाती स्ट्रगल देखी उनके पैदा होने से उनके वफात तक की कि किस सन में क्या उन्होंने कदम इकदाम किए, किस सन में उन्होंने किस तरह मूवमेंट्स को जारी रखा। अब पाकिस्तान बनने के बाद आइन की तैयारी का प्रॉब्लम था कि पाकिस्तान का अपना कानून चाहिए, आइन की तैयारी चाहिए। तो इस हेडिंग पे आते हैं, पेज नंबर 31 की हमारी लास्ट हेडिंग है। पाकिस्तान का आगाज ही में आइन साजी की मुश्किल से दुचार होना पड़ा। क्या मैं पाकिस्तान के वक्त हुकूमत अमूर को चलाने के लिए कोई आयन मौजूद न था, लिहाजा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को ही फौरी तौर पर तरमीम के साथ अपना लिया गया। चूंकि ये आयन नई मुमलिकत के तकाजों और उमंगों के मुताबिक ना था इसके लिए इसकी जगह कौमी एहसास आयन बनाया गया जिसके तहत वफाकी निजाम रायज किया गया। 10 अगस्त 1947 को अबूरी आयन के तहत आयन साज असम्बली का इजलास बुलाया गया कि असम्बली आयन साजी के अलावा मरकजी पार्लियामेंट का किरदार भी अदा कर रही थी। ये है हमारे टॉपिक्स जो हमने इन दो लेक्चर्स में देखे। अगला हमारा जो टॉपिक है वो है इब्तदाई मसाइल, वो बहुत लॉन्ग हमारा टॉपिक है, आई थिंक उसको हमें नेक्स्ट लेक्चर पे ऐड करना चाहिए। कुछ चीजें मैं आपको इसमें डिस्कस करना चाहूंगा कि आपकी ये जो न्यू बुक है आपके मुल्तान में तो कम अज कम हर बुक सेंटर पर मौजूद है। कोई भी स्टूडेंट ये ना कहे कि हमारे पास बुक्स नहीं है, आपको ये आपके स्कूल के करीब 2-3 बुक सेंटर्स हैं वहां पर ये किताब अवेलेबल है। मार्केट में हर बुक सेंटर पर आप पाकिस्तान स्टडी न्यू बुक जो है वो अवेलेबल है। ये जितने लेक्चर्स हो रहे हैं ये न्यू बुक के मुताबिक हैं। न्यू बुक में चैप्टर 2 और 3 कंबाइन कर दिया गया है, एक चैप्टर कम कर दिया गया है, थोड़ा सा डेटा के अंदर चेंजिंग है, हेडिंग्स के अंदर चेंजिंग्स हैं, पॉइंट्स को डिफरेंट अंदाज से एक्सप्लेन किया गया है और डायग्राम डिफरेंट है। उसके अलावा दूसरी चीज ये कि आपका जो पेपर होगा बोर्ड का भी स्कूल की तरफ से जो टेस्ट होगा वो भी न्यू बुक से अब डिजाइन होंगे। तो तमाम स्टूडेंट्स न्यू बुक्स जो है वो अरेंज करें और इसके नोट्स जो है वो अभी प्रोसेस में है, वो कंप्लीट होने पर इंशाल्लाह आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। तो आज की आप डायरी जरा नोट कीजिए, ये जो कैद आजम का आपको मैंने लास्ट टॉपिक बताया है कैद आजम मोहम्मद अली जिन्ना की सियासी और आईनी कोशिशें, पेज नंबर आपकी बुक का है 29, यहाँ से ये स्टार्ट हो रहा है 31, 30, 31, ये 3 पेज हैं और ये लॉन्ग क्वेश्चन है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बोर्ड पे पॉइंट ऑफ व्यू से भी और टेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से भी। आज की डायरी आपका इसी लॉन्ग को लर्न करना, राइट करना और मुझे व्हाट्सएप करना है ताकि आपके मार्क्स को हम डेली बेस पर आपकी शीट पर ऐड कर सकें। किसी स्टूडेंट्स के पास अगर नंबर ना हो तो वो नोट कर सकता है और आपने इस नंबर पर इसको व्हाट्सएप करना है ताकि हम इसको चेक करके
आपके नंबर्स को ऐड कर सकें। जब आप व्हाट्सएप करें अपना नाम अपना सेक्शन लाजमी मेंशन करें ताकि आपकी लिस्ट में उसको ऐड किया जा सके। ये आपकी डायरी है। कल हम इंशाल्लाह स्टार्ट कर रहे हैं पाकिस्तान बनने के बाद जिन मसाइल का सामना था वो इंशाल्लाह हम डिटेल से कल डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।